शोज द गेम्स प्लेड बाय फिफ्टीन हंड्रेड स्टूडेंट्स एक स्कूल में फिफ्टीन हंड्रेड स्टूडेंट थे जो कि डिफरेंट गेम्स जो है वो प्ले करते थे ईच स्टूडेंट प्लेज ओनली वन गेम हर स्टूडेंट सिर्फ एक ही गेम खेलता है सो फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु प्ले हॉकी टू दो प्ले बैडमिंटन आपने रेशियो निकालनी है उन स्टूडेंट्स की जो कि हॉकी प्ले करते हैं ओवर बैडमिंटन प्ले करते हैं सो रेशियो ऑफ स्टूडेंट हू प्ले हॉकी अपॉन स्टूडेंट प्ले बैडमिंटन सो सी हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन डिग्री एंगल आप इसको क्या करो वन नंबर दे दो राइट हमें हॉकी का एंगल नहीं दे रखा आप इसको टू नंबर दे दो और फुटबॉल को आप नंबर दे दो थ्री और राइट यहां बैडमिंटन का भी नहीं दे रखा आप इसको एंगल फोर कर दो ऐसे करके और ये इसको आप फाइव नंबर कर दो ये नंबरिंग आपने अपने आप से करनी है राइट अब आप क्या करो यहां इसको देखो अगर मैं ऐसे करके इसको कवर कर दो राइट तो ये एंगल वन टू और थ्री क्या बनाते हैं स्ट्रेट एंगल दीज थ्री एंगल्स आर फॉर्मड ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो आप यहां लिखेंगे एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड व्हाट इज इट इट इज अ स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल नाउ वट्स एवर एंगल इज गिवन इट्स वैल्यू यू फिल सो एंगल वन कितने डिग्री का है वन ट्वेंटी का टू आपको नहीं दे रखा तो टू को टू कर दो थ्री एंगल दे रखा है फोर्टी डिग्री का एंड इट इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री सो वन ट्वेंटी प्लस फोर्टी इज वन हंड्रेड सिक्सटी डिग्री प्लस एंगल टू विच इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री राइट सो एंगल टू इज वन डिग्री माइनस वन हंड्रेड सिक्सटी डिग्री सो एंगल टू इज इक्वल टू ट्वेंटी डिग्री तो हॉकी का कितना डिग्री आ गया ट्वेंटी डिग्री अब ये वन और फोर ये आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं कैसे एंगल्स हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो सिंस एंगल वन इज ऑलरेडी गिवन टू यू हो मच वन ट्वेंटी डिग्री एंगल फोर भी कितना आ जाएगा वन ट्वेंटी डिग्री वाई बिकॉज दे आर इक्वल राइट सो बैडमिंटन का भी जो एंगल है वो कितना हो गया वन ट्वेंटी डिग्री अब आप क्या करो अब आप इसको ऊपर कवर कर दो ऐसे तो फोर और फाइव लीनियर पेयर बना रहे हैं सो यू विल राइट हियर एंगल फोर प्लस एंगल फाइव इज इक्वल टू वन हंड्रेड एटी डिग्री That is a linear pair. Linear pair. So angle 4 is of 120 degree plus angle 5 and that is equal to 180 degree. So angle 5 can be found from here 180 degree minus 120 degree. So that is equal to 60 degree. राइट सो टेनिस का भी जो एंगल है वो आ चुका सिक्सटी डिग्री अब आपने लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले हॉकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले हॉकी इसमें क्या करना आपने हॉकी का एंगल देखना है कितना डिग्री है ये टू एंगल है ना तो टू एंगल कितना आया था आपके पास ट्वेंटी डिग्री तो आप लिखेंगे ट्वेंटी अपॉन इन सभी एंगल्स का सम अराउंड दिस पॉइंट है तो आप यहां 360 इन टू स्कूल में कितने स्टूडेंट्स थे फिफ्टीन हंड्रेड तो मल्टीप्लाई करेंगे जीरो कैंसल्स जीरो दिस इज टू वन टू एंड जीरो विल कम एटीन देन थ्री सिक्स हजार एटीन थ्री फाइव जार फिफ्टीन एंड जीरो टू थ्री जार सिक्स एंड टू फाइव जार टेन तो फिफ्टी इंटू फाइव बना टू फिफ्टी अपॉन थ्री टू फिफ्टी अपॉन थ्री अब आपने निकालना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बैडमिंटन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बैडमिंटन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बैडमिंटन तो अब बैडमिंटन का एंगल देखो कितना है इट इज एंगल फोर और एंगल फोर आपके पास वन ट्वेंटी है तो वन ट्वेंटी अपॉन सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट थ्री सिक्सटी इंटू टोटल स्टूडेंट्स आर फिफ्टीन हंड्रेड तो वन ट्वेंटी 120 वन ट्वेंटी थ्री आर थ्री वन हजार थ्री फाइव फिफ्टीन जीरो जीरो फाइव हंड्रेड स्टूडेंट्स ऐसे आगे जो कि बैडमिंटन प्ले करते हैं अब आपने निकालनी है रेशो तो वी विल राइट रेशो ऑफ स्टूडेंट्स रेशो ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले रेशो ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले हॉकी टू बैडमिंटन रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु प्ले हॉकी टू बैडमिंटन तो हॉकी वाले कितने थे टू फिफ्टी अपॉन थ्री और आप इसको डिवाइड कर देंगे किससे फाइव हंड्रेड से तो ये बना टू फिफ्टी अपॉन थ्री डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाई फाइव हंड्रेड ओवर वन बनेगा वन अपॉन फाइव हंड्रेड टू फिफ्टी वन आर टू फिफ्टी टूजर सिक्स तो रेशो क्या बनी वन रेशो सिक्स सो आई हैव एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू यू इन अ वेरी इजी वे होप यू हैव अंडरस्टूड इट इफ यू हैव रियली अंडरस्टूड डू लाइक द वीडियो कॉमेंट ऑल्सो एंड डू कीप वॉचिंग दीडियोज फॉर्दर पोस्टेड फॉर दैट you must subscribe channel and keep the notifications on so that whenever i post any video you may get its notification well in time thank you